खाइएगा, ये नहीं खाएगा, खाने लायक होगा। अभी हंसने लगा है, तो मिठाई है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कपड़ा पहनो, चलो गैस इंजेक्ट चुकवारे खेल करके। हेलो दोस्तों, नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कुछ दिन के बाद दोस्तों हमारे जो कि चेहरे पे मुस्कुराहट आए हैं, और आप लोग बहुत ज़्यादा हमें मतलब बताएं कि जो हो गया तो हो गया, अब उसको लेकर आप उतना टेंशन मत लीजिए। तो फाइनली दोस्तों हम लोग कुछ मतलब उतना भी नहीं, बट हम लोग सोच रहे हैं कि अब 2022 को ना अच्छे से हम लोग शुरुआत करें। अभी भी मतलब है, और इस ब्लॉग को कंटिन्यू कर दिया हूँ। और अभी दोस्तों हम लोग जाने वाले हैं विराट को लेकर के दिखलाने के लिए। उसका तबीयत ख़राब है क्योंकि दोस्तों उसे सर्दी हो गया। एक वीडियो में देख रहे हैं हम लोग, गुरु जी ऐसे नेटक पूछ रहे हैं, और चीकू को भी हो गया है और गुड़िया जी को भी हो गया, तो जा रहे हैं दिखलाने के लिए। और आज का मौसम देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग की तरफ कितना अच्छा है, और उस मतलब सबसे ज़्यादा गुड़िया जी खुश हुई हैं क्योंकि विराट का कपड़ा भी गंदे थे, हमारा भी था, सबको का, और नाना जी देख कर गए थे, तो अब पूरा साफ सफाई होंगे तो अच्छा होगा, सब पसारा हुआ है। और ये किचन का भी थोड़ा सा अब गोईठा उठा लाने के लिए जाएंगे ताकि इसमें खाना बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिए। तो हमारी प्यारी बेटी चीकू आ गई है खेल करके, और इससे भी सर्दी हो रही है, देखिए कितना ज़्यादा खुश है। ऐ कहाँ से आ रही हो, इधर देखो, दिखाओ दिखाओ रे, ये भी बहुत निराश रहती थी हम लोग। तो चीकू भी जाने वाली है हमारे साथ में, तो ये बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि तुम नहीं जाओगी चीकू, नहीं जाओगी, नहीं जाओगी, मैं मोच करता है तुम्हें। चलो तुम्हें भी लेके चलूंगा, बोलो हाय, हेलो बोलो, हेलो बोलो बेटा, अपना नाम बोलो बोलो। बहुत लोग चीकू को मतलब मिस करते थे कि चीकू का बहुत ज़्यादा हम मिस करते हैं। चलो चलो चलो, खड़ा हो जाओ। क्या नाम है? स्कूल चीकू जाएगी दोस्तों, क्योंकि अभी ये पूरी तरह से ना मतलब बोल भी नहीं पाती है ना, और मतलब अभी पूरा ये जो कि मतलब टॉयलेट वॉयलेट कर नहीं पाती है, इस चलते इसे स्कूल अभी हम लोग नहीं भेज रहे हैं। गुड़िया जी रेडी हो रहे हैं, काजल लगा रहे हैं, और दोस्तों मेरा बाल बढ़ चुके हैं तो कटवाने वाले ही थे, तो नाना जी देख करेंगे अब उसी दिन दसवां के दिन ये सारा सफाई हो जाएंगे। और ये दाढ़ी दाढ़ी तो रहेंगे ना, दाढ़ी मूछ रहेंगे, छोटे छोटे करवा लूँगा। मामी जी से पूछें कि हम लोग तेल वेल लगा सकते हैं, तो बोले कि आप लोग लगा सकते हैं, बट वो लोग नहीं लगा रहे हैं अभी, वो लोग तेल में नहीं लगाते हैं, कंघी नहीं कर रहे हैं अभी सत नहना के बाद, सबका अलग अलग जगह पे होता है। हम लोग लगा सकते हैं क्योंकि हम उनका गोतिया नहीं है, उनका हम भागना है, तो हम लोग तेल यूज कर सकते हैं। हम लोग खाना भी जो बनाते थे पहले उसी तरह से बना रहे हैं, बट वो नहीं, नॉन वेज नहीं बनेगा। विराट दोस्तों अभी सो रहा है, रात में इसे दवा दिए थे तो इसका बुखार टूट गया था, फिर बुखार लग गया, तो अभी हम जैकेट पहन लूँगा। तो अभी गुड़िया जी मस्त तैयार हो गए हैं, और विराट का कपड़ा निकाल रहे हैं, स्वेटर, और अभी उठ गया विराट, उठ गया ना। हाँ। ये देखिए विराट उठ गया, अभी ताक रहा है विराट, और हल्ला करके परेशान करोगे जी, रात में बहुत ज़्यादा हल्ला करता है, बहुत, क्या ही बोलूँ, मुझे तो नींद में मतलब रहता हूँ तो कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, ऐसे चुप कराते। अभी चिकुआरे खेल करके विराट को कपड़ा पहनाया जाएगा, ये देखिए क्या पहने हुए, सिंपल ये पहनो कपड़ा पहनो, चलो गैस इंजेक्शन दिलवा देंगे। हंसो हंसो जी, नहीं हंस रहा है, नहीं हंस रहा है, तबीयत खराब है ना इस चलते। और चिकू उधर ये क्या कर रही हो तुम? आज अभी विराट के लिए मोजा लेकर आए हैं, बाहर पसारा हुआ था। हंसो जी, कम से कम हंसो हंसो तो। और दोस्तों आप लोग बताइए कि जैकेट है कितना अच्छा है, गुड़िया जी बोल रहे थे बहुत अच्छा है, एक और ले लीजिए ना। हाँ। और ये गर्म भी करता है, गर्म भी करता है, ये देखिए पैंट कैसे पहन रहा है कैंपस। हम चुप करवाते हैं ना तो चुप हो जाता है, गुड़िया जी ज़्यादा चुप करवाते हैं नहीं होता है, जब गुड़िया जी थक जाते हैं तो रात में हमें दे देते हैं कि आप ही चुप करवाइए, तो इसे चुप करवाते हैं। अभी सॉक्स वॉक्स पहनेगा क्योंकि हम बोलते हैं तो और भी ज़्यादा रोता है। हाँ। पता नहीं क्यों, मेरे को आइडिया है इसे चुप कराने का, चुप हो जाता है। तो उसके बाद आएंगे तो जो कि है रोजी के बच्चे को दूध पिलाएंगे। दोस्तों विराट को आप लोग बहुत दिन से अच्छे से नहीं देख रहे होंगे, देखिए देखिए अभी हंसने लगा है, हंसा हंसा। और हम दोस्तों जो हो गया तो हो ही गया, बट हम लोग चाह रहे हैं कि अब थोड़ा खुश रहें, और क्या करूँ, बोलो तुम भी बोलो, हंसा है अभी हंसा है। आज गुड़िया और हम जाने वाले हैं मार्केट, और चीकू देखते हैं गुड़िया जी क्या खाएंगे, हमें लगता है कि वो समोसा खाते हैं ज़्यादा, तो मतलब बाज़ार जाते हैं तो अक्सर हर इंसान खाते हैं, ये भी खाएंगे हम भी खाएंगे उसी में, इनको क्यों हम बोलो, हम भी खाते हैं वही बहाने पर।
और विराट तो बिल्कुल भी नहीं खाता है, विराट दूध पीता है, दूध पीता है। देखिए किस तरह से खड़ा, किसी टुकड़िया कैसा लग रहा है ये देखिए कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट कर बताइए कैसा बोलो ये देखिए हाँ, बोल रहा है। तो अभी हम लोग लेके जाते हैं विराट को दिखलाने के लिए, और हमें हाँ, भी मतलब सर्दी जैसा हो रहा है तो हम भी दवा ले लेंगे, गुड़िया जी की तो है ही, चिकू को है सर्दी। तो चलिए अभी निकलते हैं हम लोग। तो अभी दोस्तों हम और गुड़िया आ चुके हैं डॉक्टर जी के पास, और देखते हैं जो अभी विराट का यहाँ पे फीवर जाँच हो रहे हैं, सर्दियाँ बढ़ा है ना, ताक रहा है विराट, फीवर है तुम्हें, सुई पड़ेगा इंजेक्शन। तो दोस्तों विराट का अभी दवा दे रहे हैं डॉक्टर जी, और उसके बाद समझाएंगे कितना कितना इसे देना है, और इधर गुड़िया जी चेक करा रहे विराट को। पाँच एम एल देना है, दवाई बैठ के पिया दो, बैठ के दवाई पिया दो, हाँ पिला भी नहीं था अभी दोस्तों। इलाज करा कर चले आए हैं, और गुड़िया जी मेरे लिए टोपी देख रहे हैं और इनको पसंद आता है कि नहीं, कौन अच्छा है देखिए वो बोला, हमें अच्छा नहीं लग रहा है हम पे इतना नहीं, हम खोज रहे हैं जो वाला नहीं है ना, जिस तरह का खोज रहे हैं उस तरह का है नहीं। और इधर विराट मस्त देखिए कैसा लग रहा है, ये समोसा खाएंगे विराट भी खाएगा, अभी खाइएगा जी, अभी खाइएगा जी, ये नहीं खाएगा, खाने लायक होगा तब ना, और चीकू को साथ में नहीं लाए क्योंकि दिक्कत हो रहा था, जिसके कारण से उसे वहाँ भी छोड़ दी और हम लोग आ गए, और उसके बाद हम अभी नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर समोसे ले जाना है, हम लोग मिठाई खाती है ज़्यादा, तो समोसा मिठाई लेकर जाएंगे चीकू के लिए, और लिट्टी भी यहाँ का मिठाई है, आप लोग देख लीजिए कैसे है, ये देखिए कौन कौन सा मिठाई है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी दोस्तों हम लोग समोसा खाने वाले हैं, देखिए यहाँ पर लग गए जी कर दो मेरा दो, और किन किन लोगों को अच्छा लगता है समोसा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अभी फटाफट से खाते हैं, उसके बाद आप सबसे मिलते हैं। अभी दोस्तों हम नाश्ता कर लें, बट गुड़िया जी अभी नहीं किए, देखिए इधर कर रहे हैं और मैं कर लिया हूँ, और अभी हम विराट को ले लिए, तो इधर गुड़िया जी नाश्ता कर रहे हैं बराबर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्ला करने लगता है ना, या चलिए। अभी दोस्तों हम चाउमीन पैक करवा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इसका चैलेंज वीडियो हम लोग को बनाना है, तो वो दोस्तों सेकंड चैनल पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। अभी दोस्तों हम लोग बाजार से आ गए हैं, और विराट को दिखला करके और चीकू भी, मतलब चीकू का तो पहले से ही दावा करवा रहे हैं, और विराट का भी, और गुड़िया जी जो कि इनका भी सर्दी हो गया था और खांसी तो माथा दर्द, तो ये भी दवा लिए हैं, आप सबको दिखाऊँगा, और विराट के कितने दवा चल रहे हैं वो भी आप सबको दिखाऊँगा। अभी तो सो रहा है ना, पूछेगा तो उसे खिलाएंगे हम लोग। तो अभी दोस्तों हम लोग ज़्यादा कुछ बाज़ार से नहीं खरीद पाए, बस नाश्ता किए हैं, और थोड़ा है जो कि चौमिन लिए हैं वही लेकर के हम लोग चले आए। अभी दोस्तों हम लोग विराट को दवा पिला लेते हैं, देखिए अभी जग गया है, और चिकू ज़्यादा एक्साइटेड है दवा पिलाने के लिए, क्योंकि चिकू को पिलाते हैं ना नाक बंद करके, तो इसी तरह से पिलाने के लिए बोल रहे हैं, नाक बंद करके पिलाएंगे विराट को, हाँ पिलाएंगे, लाओ कौन में से देना है, पहले इसमें से देते हैं, लेते हैं कल्फिन ए है, ये शायद कल्फिन ए, ये ठीक रही ना, क्या ठीक रही थी, लगता है फीवर की है, फीवर की है हाँ। तो ये होगा, बहुत डॉक्टर साहब भी हमारे वीडियो को देखते हैं तो चलिए भी पिलाते हैं, क्या एम एल देना है भैया जी, 2.5 ml, 2.5 ml देना है। वो रात में ना हमें बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए था विराट, बहुत ज़्यादा, धो देते हैं, धो दीजिए फटाफट से, दवा पिलाते हैं, पिलाइए जी, लेकिन दवा पी, हमारे मम्मी जी पहले पिला देते थे ऐसे नाक बंद करके और उसके बाद पिला देते थे, हम इंजेक्शन से हम बहुत दूर रहते हैं, इंजेक्शन मैं तो मतलब बोलते हैं कि दवा हमें दे दीजिए, हम दवा से ठीक हो जाएंगे, तो
गुड़िया जी तो इंजेक्शन से बहुत ज्यादा डरते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं। पर विराट जब और चिकू जब जन्म ली थी तो उसमें मेरा बड़ा ऑपरेशन से बेबी हुए थे दोनों, तो एक दिन में 6-6 सुई पड़ते थे 8 दिन। एक दिन में 6-6 सुई, सोच सकते हैं दोस्तों महिला कितना सहती हैं। तीन सुबह 3 शाम। और गुड़िया जी को ऑपरेशन हुए थे तो उस समय आपको पता है ऑपरेशन कैसे होते हैं, दो दो ऑपरेशन, मतलब बहुत सहती हैं महिला, बहुत सहती हैं। चलिए अभी हम विराट को पिला देते हैं, बाद में फिर भूल जाएंगे। विराट के लिए दवा निकाल दी, चलिए पिलाइए, पीलो विराट, पीलो पीलो पीलो, मेरा बेटा सोना, पीलो 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 पीलो, दवा पीलिए विराट पर। लगने से विराट का मुंह है जो कि सूख गया है, ये देखिए सूख गया है ना जी, सूख गया है ना, बोलिए कि जल्दी हम ठीक हो जाएं, आप लोग दुआ कीजिए। ऐसे तो आप लोग मेरे फैमिली के लिए करते ही हैं, है ना विराट, आप लोग दुआ कीजिए कि मैं ठीक हो जाऊंगा, और हमारे विराट को आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि जल्दी ठीक हो जाए। तो बच्चे को दूध भी पिलाना है, हाँ, तो आप जाइए बकरी में से दूध लेकर आइए, तब तक हम बच्चे को निकाल कर रखते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, अभी बकरी का जो कि दूध है वो लाने के लिए जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे गाड़ने में समय लग जाता है ना, उसके बाद क्योंकि ख़त्म हो गए हैं तो उनके पास जाऊँगा, बकरी का बच्चा जो कि दिए हुए तो गाड़ कर दे देंगे वो, तो उसके बाद हम पिला देंगे। तो चलिए गुड़िया जी धरिए, जाते हैं लाने। दोस्तों बकरी का दूध ले आए हैं, तो इतना ही मिला तो इतने ही लेकर आए हैं, इतना में हो जाएगा, बच भी जाएगा, बच भी जाएगा, और फिर कल लाएंगे तो रुई और कांटी से पिलाएंगे। जी रुई बनाइए। दोस्तों कमेंट करते हैं कि बच्चे को चिकू से बचाइएगा, तो बचाते हैं, इसे छूने हम नहीं देते हैं, छूने नहीं देते हैं, छूने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। पहले गुड़िया ही पिला रहे थे तो बोले कि आप भी पिलाइए, इसे जल्दी पिएगा, ये तो बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, बहुत धीरे धीरे पीता था। अब हम भी लेकर के पिलाते हैं बच्चे को, देखिए इस तरह से रुई कर ली, अलग से रखे हुए रहते हैं, हाँ, इसका अलग तो ये पिलाते हैं। इस तरह से हम लोग बनाकर वही पिलाते हैं बच्चे को, क्योंकि इसे अगर हम लोग बचा लेते हैं तो मैं बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि इसका मम्मी ना रहते हुए हम लोग इसे बहुत ख्याल करके मतलब इसे पालेंगे, तो और अच्छी बात है। देखिए इसे कपड़े पर लिया हुआ हूँ और पिलाऊंगा इसे, और कोई बच्चा इसे छूता नहीं है, बस देखिए देखिए दोस्तों कैसे पीता, बहुत ये देखिए देखिए किस तरह से पीता, बहुत अच्छा से पीता, देखिए देखिए पी रहा है ना दोस्तों। इन बच्चों को दूध पिला दिए हैं, और ये देखिए ये लोग घुस रहे हैं, इधर घुस रहे हैं, ये लोग को सोचते हैं कि ये मेरे माता का शरीर है इसलिए छूटता है, तो अभी इसे थोड़ा सा हम ढक देते हैं ताकि इसे ठंडा ना लगे, थोड़ा सा गोल गोल कर करके देखिए इस तरह से ढक देते हैं, उसके बाद इसे बंद कर देते हैं ऐसे। अभी दोस्तों खरगोशनी के बच्चे यानी कि रोजी हम पाले हुए थे वो, उसके बच्चे के ना हम दूध पिला दिए, और अभी हम इसे हाथ जा करके हम धो लेते हैं, और उन लोग को अच्छे से सुला दिए, मतलब पीने के बाद बहुत अच्छे मस्त से सोता है। अभी दोस्तों इवनिंग का समय हो चुका है, और आज हम लोग खाना नहीं बनाए क्योंकि दोस्तों होटल गए थे, मतलब मार्केट गए थे, तो वहीं पे नाश्ता वास्ता कर लिए, और चाउमीन आए थे दोस्तों, उसका चैलेंज हम लोग किए, तो और भी मतलब और जल्दी जल्दी हम खाए ना तो मेरे पेट में मतलब दिक्कत हो गया। और दोस्तों वो वीडियो है जो कि दोस्तों अपलोडेड हो गया होगा शायद अभी तक, जो वीडियो पहुँच गया होता वो सुनील गुड़िया ब्लॉग्स पर, उसको भी जा करके देखिएगा, हम लोग चैलेंज किए थे, और अभी देख सकते हैं अंधारा हो गया। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी हम लोग नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, खुशियाँ बांट दें ताकि भगवान और ज़्यादा आपको दे खुशियाँ बांटने के लिए। और हाँ दोस्तों हमसे कोई गलती या मिस्टेक हो गया होगा हम लोग से, तो कृपया हम लोगों को माफ करिए। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।